जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमोन हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमोन हुतब ने यूसुफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। जनाब यूसुफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फिक्र में लगे रहते हैं, उन्हें महसूलात की मुआफी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। एक साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ जो हो जाएगा। हाजी जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मजीद दीगर शहरों में कोई इकदाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने जाविरा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूंगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? होगी क्या? मुझे बानो नफरीक दीदी से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदावंदकार जनाब आमून हो तक। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदावंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरीती मुझ जैसे को अपना खुदावंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने मबद यूसुफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूसुफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने उनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूसुफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूती की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूसुफ को मेरे पास बुलाओ फौरन। दरूद बर अजीज मिस्र युजार सिफे हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है। वो काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो। तब मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन है। आज आपू के काहिन ने बानुती से मुलाकात की और कसर के दाखिले दरवाजे पर एक महाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानुती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफा नामी जाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़े तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फिक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तरक़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आजमा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आईन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए। लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी जरब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नजर में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ, मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमारवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमारवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने खजानों के मुंह भरने की फिक्र में नहीं रहता और उसने अपने पैगंबर युजारसीफ को बगैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेशे नजर में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंदे यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाए यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की। वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज पाती है। वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्पद उगना और खेतों का लहलाना जिसकी बदौलत। जनाब फरमारमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्द बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूकात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदाए यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूं कि आज के बाद मुझे अखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है। बंदाए आतून, आखन आतून यानी अखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं अखनातून एक नादीरा खुदा यकता की परस्तिश करता, और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतकिद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़लज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाजरीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। ये खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मरतबे को कम कर देगी। इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरतिती को भी आइन यकता परस्ती कबूल करना होगा। और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सिर्फ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सिर्फ खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी जिम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हर किस तरह न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाए। फरमारवाए बुजुर्ग सरजमीन मिस्र, फरजंदे खुदा आमून आमून हो तब चारम अपने मसाहिबों और अहल खाना के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। क्या आज मरासिम तजदीद अज़मत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गुजारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आइनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्मे की यहां मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून हो तब का आमून को गुस्सा देने का कोई इरादा नहीं है, न बुखूर न गुस्ले मेहराब और न ही। आज तो आमून हो तब को लिबास रस्मी ज़ेब तन करना चाहिए था। नहीं, आमून का एहतराम करना और दुरान हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। यह लिबास रस्मी ज़ेब तन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़े। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदाए यकता पर ईमान का ऐलान करता। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून ताब, ये सब क्या है? बस कीजिए माफ, बस कीजिए और बैठ जाइए। आपका हिनान इस मुजस्मे को यहां से बाहर ले जाए। कस्र अखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह कस्र आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्मे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की नफरीन हो तुम पर, नफरीन हो तुम पर। मुआज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबरीन और हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनतून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास वाम में इस बात की तशरीह कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदाए यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम आमून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। जहाँ कुफर की हुकूमत हो वह आमून और उसके इमामत की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आमून होतब को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। अब हमें मजीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज करना होगा, वरना हमें गंदम की जखीरा साजी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें। कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है कि वसूली में नहायत तेजी का मुजाहरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मरदमशुमारी करें और वहाँ मौजूद रिहाइश पजीर खानदानों और उनके बच्चों और ज़ेरे किफालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके गुलामों, फुकरा और मुस्तहक अफराद की दकीक और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फुकरा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी ये सब जानने की जरूरत क्या है जनाब यूसुफ? उमरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि कहद के जमाने में बहुत सा उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फकीरों का लिबादा ओढ़ लें, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहद के जमाने में कौन मुस्तहक और जरूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदुम फरोख्त की जानी चाहिए। बरबानो जुलेखा, क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोश गुजार भी कर दूं। आज फरमानवा ने आईने आमून से इजारे बेजारी करते हुए अपने आतून परत होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनातून रख लिया है और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखनातून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यकता का दूसरा नाम है, यानी यूसुफ का खुदा। मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली यूसुफ शरीफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि अखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद आतून परस्त खुर्शीद को मजहर खुदाई यकता मानते हैं। जो यूसुफ शरीफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुदमून, तुम्हारी यूसुफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिना निमाबत तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था, और वो भी बचपन में जनाब पोतीफार और बानो जुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नजदीक से जायजा लेना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि भेष बदल कर जा रहा हूँ, इस वजह में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नर्सल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कानकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज तनहा नहीं छोड़ूंगा। चले मालिक। शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के खूब सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रिवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदाबंद मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। ये रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आजाद सही सलामत है, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है तो खरीदार, 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन हजार सिक्के। अजीजे मिस्र, अफवाजे मिस्र के सरबराह आला जनाब पोतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पोतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पोतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। तीस सिक्के। ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियां की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पोतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ। और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलिए। जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो, मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और जेर दस्त जबरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं रहेंगे, इंतजार करेंगे। हम उनके आने का हमें उनसे मिलना ही है। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम मिलना चाहते हैं, मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, हमें उनसे ही काम है, उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब यूसुफ, हाँ ये तो यूसुफ हैं। बाद इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया। हाँ क्या है, आप हमारी मदद करवाइए। और हमारे बच्चों को, हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती माँ बाप ले जाया जा रहा है, हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी इजाजत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद। इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए, हमारी मदद। इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी दादरसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दादरसी जरूर होगी, बस जरा। बिना तुम यहाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं भी साहब क्या हुआ? परेशान मत हो मुसाफिर, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। अपने साथ कसर ले जाएं। ठीक है बानो, सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नेफर कप्तान, मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्भ ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर, यह तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहां। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं मेरे खैरख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरजू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब यूसुफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबु मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी अखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाकया उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब यूसुफ की जान को कोई खतरा नहीं है। जनाब यूसुफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब यूसुफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया, यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसी तर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता के नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में यूसुफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और यूसुफ के कत्ल में मुलविस हैं तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी यूसुफ आमून होतब को रास्ते से हटाए हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जाने जाया होने से तो कहीं बेहतर है। समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। यूसुफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून हो तब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? हे आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत ना होने दे। है आमून बुजुर्ग, यूसुफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखल अंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दर पे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दर पे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आफमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आईन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के जमाने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं? जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की जखीरा साजी का नजदीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, तो आपके फैसले से इत्तिफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नजर आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी जखीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात जरूर होगी। जी हाँ, जरूर।